हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेया निवीस के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी हब मोटर में जब वाइंडिंग बर्न आउट हो जाती है तो क्या उस बर्न मोटर को रिवाइंड कराना वायबल है, क्या ये इतना यूज़फुल होगा या फिर उससे हमें सेम रिज़ल्ट मिल पाएंगे जितनी पावर और जितना पिकअप और जितनी सर्विस हमको एग्जिस्टिंग वायरिंग के साथ में मिली थी, और क्या ये एक्चुअली सक्सेसफुल है भी या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वही सब कुछ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ मोटर है, इसमें भी स्टेटर नहीं है, इसका ये रखा हुआ है, एक स्टेटर हमारे पास में ये रखा हुआ है इधर पे, देखिए। और इसको हमने अभी रिवाइंड किया हुआ है, और इसके बाद में अभी जैसे हम रिवाइंड करते हैं तो हॉल सेंसर वगैरह सारी चीज़ निकल जाती हैं, और उसके साथ ही साथ जो वायर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है, क्योंकि जो वाइंडिंग करने वाला है वो केवल उसका फोकस केवल वाइंडिंग के ऊपर रहता है, वायर कौन से कलर का वायर किस आउटपुट में लगा था ये चीज़ ध्यान में वो नहीं दे पाते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तीन वायर इसमें होते हैं और तीन हॉल सेंसर में होते हैं, तो अगर वायर का कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है तो हमें लगभग 9 कॉम्बिनेशन तो हॉल सेंसर के लिए है और इतने ही कॉम्बिनेशन हमें मेन वाइंडिंग के लिए चेक करने पड़ते हैं, तब जाके कोई कॉम्बिनेशन बैठता है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये तीन वाइंडिंग जो है तैयार करवाई है तीन अलग अलग मोटर के लिए, एक 250 वाट की है, एक 550 की है, इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज की मोटर है, और अब हम इनको वापस से फिट करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में हॉल सेंसर है, तो ये गाइस हमारे पास में EMF का हॉल सेंसर प्लेट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला सेंसर है हमने इसको ट्विस्ट कर रखा है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान में रखना है, जो 120 डिग्री फेज एंगल की जो मोटर होती है बेसिकली उसमें जो तीनों हॉल सेंसर होते हैं अगर तीनों एक ही नंबर के लगे हुए हैं तो बीच वाला हॉल सेंसर फ़िलहाल हमको रिवर्स पोलैरिटी का चाहिए होता है, तो इस कारण से इसको ट्विस्ट करना पड़ता है। या तो आपके देखिए, अब इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है एक बार अगर हॉल सेंसर गड़बड़ हो जाए तो। थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेते हैं, विजिबिलिटी ठीक नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ये सी का प्लस हमारे लेफ्ट में है और ए का प्लस भी लेफ्ट में है, लेकिन बी का प्लस जो है वो राइट में है, तो इस कारण से ये जो इसकी जो पोलैरिटी बीच वाले सेंसर की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स है। तो रिवर्स को सही करने के लिए हमको इस सेंसर को ट्विस्ट करके इस तरीके से यूज़ करना होता है, और उसी तरीके से इसको यहाँ पे फिट भी करना होता है हमको, ताकि रिवर्स पोलैरिटी के सेंसर ही हमारे काम आए। मैं इसको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये जो प्लेट है, ये जो हॉल सेंसर किट है, ये हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे फिट कर ली है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, बस उस चीज़ को समझिए, अगर तीनों हॉल सेंसर एक ही नंबर के हैं तो बीच वाला ट्विस्ट होके लगना चाहिए, और अगर अलग अलग नंबर के हैं तो आप सीधा लगा सकते हैं। जैसे ये EMF की जो हॉल सेंसर किट है इसमें तीनों सेंसरों का नंबर एक ही होता है, तो इसलिए हमने आप देखिए यहाँ पर तीनों एक बीच वाले को ट्विस्ट करके लगाया। ये 120 डिग्री फेज एंगल की मोटर है और ये इसी तरीके से चलती है, लेकिन इसके ठीक अपोजिट हमारे पास में ये एक और हॉल सेंसर है। अब लेकिन इसमें आप देखेंगे नंबर को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखिए ये जो कॉर्नर के जो दो सेंसर हैं ये 41SH हैं और बीच वाला जो है 42 है। अभी बीच वाला क्योंकि अलग है इसलिए हम उसको डायरेक्ट भी लगाएंगे तो भी मोटर चल जाएगी। अब आइए इन दोनों की वायरिंग करते हैं और फिर एक बार मैग्नेट से चेक करेंगे कि सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं, और फिर इस मोटर को फिक्स करते हैं। तो इस तीनों सेंसर की जो मतलब तीनों सेंसर हमने फिट कर लिए हैं, तीनों की वायरिंग भी कर ली है जैसे कलर दिए हुए थे वैसे, फिर भी मोटे तौर पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो ए सेंसर होता है वो हमसे ग्रीन होता है, बी ब्लू होता है और सी येलो होता है, ऐसा EMF की जो सेंसर किट है उसके हिसाब से। लेकिन बाकी जो चाइनीज़ किट होती हैं उसमें
येलो वाला बी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा हॉल सेंसर का टेस्टिंग डिवाइस, और ये रही हमारे पास में मैग्नेट। अब जैसे जैसे हम सेंसर में लगाते हैं, आप देखिएगा, ये देखिए चेंज हो रहा है। जैसे पोलैरिटी चेंज होती है वैसे ये भी चेंज होता है, तो मतलब सेंसर हमारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब आइए इस स्टेटर को जो केसिंग है उसकी, इसमें फिट कर देते हैं। तो गाइस, ये जो ड्रम तरफ की जो प्लेट है वो डालने के बाद में हमें कुछ चीज़ समझ में आई है जो कि काफ़ी परेशानी पैदा कर सकती है मोटर के ऑपरेशन में। देखिए, जब भी हम किसी मोटर को ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं केवल स्टेटर स्टेटर, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, यहाँ पर लगभग 1 या 2.5 mm का गैप है। अब इसी तरफ घुमा के लेके आएंगे हम इसको, तो यहाँ पर ये गैप बिल्कुल नहीं है। मतलब एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ये स्टेटर हो गया टेढ़ा, और स्टेटर टेढ़ा होने की वजह से मोटर का अलाइनमेंट कभी सही नहीं होता। मोटर आवाज़ कर सकती है, जाम हो सकती है, जल सकती है दोबारा से, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको किस तरीके से इसको ठीक करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। तो गाइस, अभी मोटर का जो रिम वाला जो एरिया जिसमें कि टायर फिट होता है, वो हमने मोटर पर लगा दिया है, और मोटर के दोनों तरफ हमने ये जो एक सीलेंट होता है, ये इस टाइप का वाइट सीलेंट या ग्रे सीलेंट जो कि यूज़ होता है वाटर प्रोटेक्शन के लिए, वो हमको लगा देना है। उस तरफ हमने लगा दिया, हम इस तरफ लगाएंगे। ये लगने के बाद में किसी एक इस टाइप के स्क्रू से आप थोड़ा सा इसमें एक बराबर एक लेवल से इसको कर दें। तो गाइस, यहाँ पर हमने ये जो फाइनल कवर है वो भी लगा दिया है, पर इसको क्योंकि हमने सीलेंट इसमें यूज़ किया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से नट कसने से पहले तीन तीन जो स्क्रू हैं वो दोनों तरफ कस लीजिए, मोटर फ्री घूमने लगे। उसके बाद हॉल सेंसर चेक करना है, क्रॉस चेक करना होता है मोटर को फिट करने से पहले, नहीं तो कभी कभी दोबारा भी खोलना पड़ जाता है। तो गाइस, हमने ये जो मोटर है उसको कस लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्मूथली घूम रही है। अब जब भी किसी मोटर को रिवाइंड करते हैं, तो एक चीज़ जो कि आती है समझ में, वो ये होता है कि इसकी मैग्नेट प्रॉपर नहीं बनती है, कॉइल में प्रॉपर वोल्टेज नहीं आता। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए तीनों वायरों को आपको ऐसे जोड़ना है, और उसके बाद में मोटर को घुमा के देखना है। कसी हुई होनी चाहिए मोटर, मोटर अच्छी टाइट होनी चाहिए ताकि जब आप घुमाएं तो शाफ्ट घूम ना जाए। और तीनों वायरों को जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो मोटर इतनी आसानी से घूमनी नहीं चाहिए, तभी ये चीज़ हैंड्स प्रूफ होगी कि मोटर की रिवाइंडिंग जो हुई है वो इफेक्टिव हुई है, प्रॉपर हुई है। तो आइए इन तीनों को पहले शॉर्ट करके जोड़ देते हैं। तो गाइस, इस पैरेलल कनेक्टर से हमने ये जो तीनों फेस के वायर थे इनको जोड़ दिया है, नीचे लटक गए हैं। अब देखिए, मोटर को मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इतनी आसानी से नहीं घूम रही है, और यही एक अच्छा सिम्बॉल है मोटर का जो कि रिवाइंड होती है। क्योंकि यूजुअली अगर मोटर आसानी से घूमने लगे, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर जो कॉइलिंग है या फिर जो भी उसका इम्पीडेंस है या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मोटर का या जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कॉपर की, वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। या तो कॉपर के वायर की क्वालिटी अप टू द लेवल नहीं थी, या कुछ और भी समस्या हो सकती है। तो कुल मिला के हाथ से इतनी आसानी से ये नहीं घूमना चाहिए। अब बहुत टाइट घूम रहा है, नोटिस कर सकता हूँ ये काफ़ी टाइट है। तो यहाँ पर ये जो रिवर्स पोलरिटी वाला जो टेस्ट है ये तो कंप्लीट हुआ। अब हमें इसको प्रॉपर कस देना है, और इसको लगाते हैं स्टैंड पे और चेक करते हैं हमारे कंट्रोलर से। तो गाइस, ये हमने अपने टेस्टिंग स्टैंड पे मोटर को फिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, और हमने हॉल सेंसर को भी इसमें लगा दिया है। और जैसे अब हम इसको घुमाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से जो हॉल सेंसर है वो भी ब्लिंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फिटिंग है वो प्रॉपर आई है। अब आइए कंट्रोलर से इसको जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं इसको।
तो गाइस हमने स्टैंड पे इस मोटर को लगा दिया है और एक 800 वॉट की कंट्रोलर से इसको कनेक्ट किया है। वायरिंग हमने कलर टू कलर की है, हॉल सेंसर की भी कलर टू कलर ही वायरिंग की है। और अब हम जब जैसे थ्रॉटल देते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोटर बिल्कुल बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा इसमें साउंड कुछ ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू, तो ये जो साउंड है बेसिकली इस कंट्रोलर की वजह से है, क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग वाला कंट्रोलर है। तो अगर जिसे इसमें 120 डिग्री का अगर इस टाइप का स्मार्ट कंट्रोलर लगाते हैं तो ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट चूँकि उसके लिए हमको इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरीके से सेट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट लेटर ऑन हम अपने शॉर्ट्स वीडियो में वो चीज़ आपको रिवील करेंगे कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से मैच हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटर है जिसकी वाइंडिंग सिक गई है या शॉर्ट हो गई है, ग्राउंड हो गई है, तो वाइंडिंग कराने के लिए आप श्रेयानी भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी मोटर भिजवा सकते हैं। फ़िलहाल जो इसका रेट है लगभग 3,500 रुपये एक मोटर की वाइंडिंग का रेट है, और अप टू 1000 वॉट 1000 वॉट तक की मोटर का। इससे ऊपर की अगर मोटर होती है तो उसका रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। बाकी 250 वॉट से लेके तो 1000 वॉट तक की मोटर का ऑलमोस्ट सेम ही रेट चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको वाइंडिंग के बाद की क्या प्रोसीजर होती है किसी भी मोटर में वो आपको बताई पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में कुछ नया करते हुए। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल श्रेयानी वीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।